एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग। आज अपन देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लास टेंथ का चैप्टर मैथ्स का चैप्टर थ्री का टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाम से ही पता लग रहा होगा इसमें क्या किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो अपन दो इक्वेशन ले लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 5 मतलब 7, एंड 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये अपन ने दो इक्वेशन ले ली। ठीक, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। देखो, ये अभी अपन जो बना रहे हैं ना वीडियो, ये कंप्लीट चैप्टर 3 का बना रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन। अब इसके बाद में चलेगी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को सब ज़्यादा दिक्कत आती है, वो भी करवाएंगे अपन। एक एक क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, तो एक पूरी एक सीरीज़ है, पूरी एक इसकी प्लेलिस्ट हम लोग अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से पूरा चैप्टर ढंग से देखिए, 100% उनमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मतलब अपन सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे इसको? पहले कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, किसी से भी ले लो और किसी एक की वैल्यू निकाल दो। क्या करेंगे अपन? दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे और किसी एक की वैल्यू निकाल देंगे। मतलब क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल ये है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x इक्वल टू 7 माइनस 2y और x इक्वल टू 7 माइनस 2y अपॉन 3। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई डिवाइड वाला नंबर आए ही आए, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। ओके, अब ये इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन 3 या वैल्यू ऑफ x मान लो। तो वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन किसमें? इक्वेशन नंबर 2। क्यों ऐसा क्यों करा? यहाँ पर ने इक्वेशन 1 ली है तो इसलिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 में ही पुट करनी है। अगर यहाँ पर इक्वेशन 2 लेंगे तो ये कहाँ पुट करनी पड़ेगी? 1 में पुट करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, इसको पुट कर देते हैं अपन। 6 एक्स है तो एक्स के क्या करें, 7 माइनस 2y डिवाइड बाई 3। ओके, एन माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये 3 से ये 6 कट गया, 3 टू जा 6, अब 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 टू जा 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, यहाँ आ गया 14 माइनस 7y इज इक्वल टू 9 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू 9 माइनस 14। तो ये हो जाएगा माइनस का 7y, 9 में से 14 गया तो माइनस का 5 बचेगा। ओके, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू आ गया अपने पास 5/7। ओके, अब y की वैल्यू आ गई तो x की आ जाएगी, यहाँ पुट कर दो इसको, यहाँ पर पुट कर दे। ठीक, तो x इक्वल टू क्या था अपना, 7 माइनस, इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं नाम, दे देते हैं वैल्यू ऑफ वाई पुट इन इक्वेशन 3। ओके, थर्ड वाले में अपन पुट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे, वाई की जगह क्या रख देंगे, 5/7 रख देंगे। ओके, 5/7 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 10/7 डिवाइड बाई 3। देखिए यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज है, अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, पहले ऊपर वाला एलसीएम ले लो, आराम से करो क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी। यहाँ पे मैंने ये एलसीएम ले लिया, 7 एलसीएम आ गया ऊपर। ओके, 7/7 जा 49 माइनस 10 डिवाइडेड बाय, कंप्लीट का डिवाइड बाय 3। ओके, ये आ गया 49 माइनस 10 कितना हो गया, 39 डिवाइडेड बाय 7 और कंप्लीट का डिवाइड बाय 3। तो ये जो 7 है ना वो 3 के पास चला जाएगा। ये सिंपल वाली मैथ्स है जो अपन चौथी पांचवी क्लास में सीख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 39 डिवाइड बाय 21। ठीक है, तो ये कट रहा है 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 3 7 जा, ठीक है, तो 13/7 यानी कि x की वैल्यू आ गई अपने पास 13/7 और y की वैल्यू आ गई 5/7। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया कैसा वाला, जिसके अंदर
डिवाइड वाला नंबर आ रहा है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें बिना डिवाइड वाला होगा और वो थोड़ा आसान होगा ना, इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो यार, सबको पता लगे कि हाँ भाई ऐसे भी होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर सिर्फ वाई ले लिया, ठीक है। तो वही चीज़ फ्रॉम इक्वेशन वन, ज़रूरी नहीं है हमेशा इक्वेशन वन ही ले, अभी इसमें से भी ले सकते थे, बट अपन क्या करेंगे आसान वाली चीज़ लेंगे जिसमें अपने को डिवाइड नहीं आए ना। तो जब किसी के साथ में कोई कॉफिशेंट, किसी जैसे कि ये वेरिएबल है उसके साथ कोई कॉफिशेंट ना हो, जब किसी वेरिएबल के साथ कोई कॉफिशेंट ना हो तो अपन पहले उस इक्वेशन को लेंगे, ओके। तो इक्वेशन वन ले लिए अपन ने, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3x, बस देखिए कितना आसान लग रहा है ना, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड दे दी, ओके। तो अब वैल्यू ऑफ y पुट इन किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ली है तो पुट कहाँ होगी, सेकेंड में, कहाँ होगी पुट, सेकेंड में, ओके। तो किसकी वैल्यू निकाली, वाई की, तो वाई की जगह पुट हो जाएगी, यानी 6 माइनस 3 इंटू वाई की जगह क्या रख देंगे, 7 माइनस 3x इक्वल टू 9, ओके। तो ये हो गया 6x माइनस 21 माइनस 9x इक्वल टू 9, ठीक। तो ये अपन 6x माइनस 9x माइनस का 21 उधर ले जाएं, तो ये हो गया 9 माइनस 21, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 3x, और 21 में से 9 गया तो कितना बचेगा बेटा, 12 बचेगा क्या माइनस का, ठीक है, माइनस का 12 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बटा माइनस का 3, यानी 3 × 4 = 12। अब x की वैल्यू आ गई तो यहाँ पुट कर दे, बहुत ही आसान हो गया है क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन 3, ये देखो इक्वेशन 3 ना, तो इसमें पुट कर देंगे इसको, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x की जगह 4 आ जाएगा, तो 7 माइनस 12 यानी ये आ गया माइनस का 5, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई माइनस 5, आंसर, ओके, ठीक है। इतना ही आसान है, इसके अलावा और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बन सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता इनके अलावा, ठीक है। ये इसी तरीके की चीज़ें, ओके, ठीक है। कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, किसी टॉपिक में कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके बाद ये जो ये अपन प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहो ताकि जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम जो आती है, वो अपन आसानी से आप लोगों की सॉल्व कर सके, ओके। हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले बहुत 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 ज़्यादा टाइप से कम 7 to 8 है, ठीक है, वो सारे टाइप्स अपन करेंगे, ओके। थैंक यू।